डियर सब्सक्राइबर्स एंड विजिटर्स, वेलकम टू चैनल द फैशन आर्ट एंड डिजाइनिंग। आज का ये हमारा वीडियो है सलवार का ड्राफ्टिंग का। तो ये हम सलवार का ड्राफ्टिंग समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सलवार का मेजर की, क्योंकि सलवार के लिए हमें कौन से नाप की ज़रूरत रहती है। तो जो हमारा पिछला वीडियो था ऑल मेजरमेंट, उसमें से मैंने समझा दिया था पैंट प्लाजो सलवार चूड़ीदार ये सब नाप एक ही बार में आ गया था। तो उसी में से ही हमने यह जो सलवार का नाप है, तो सलवार के लिए नाप की ज़रूरत रहेगी सबसे पहले लंबाई, और उसके बाद है हिप राउंड, और उसके बाद है सलवार का मोरी, यहाँ पर जो लिखा है उस टाइम पे। तो ये तीन चीज़ की हमें आवश्यकता रहेगी, लंबाई, हिप राउंड और उसका मोरी। तो चूड़ीदार की तरह सलवार में भी यहाँ पर हम जो कटिंग करेंगे 4.5 इंच से कटिंग करेंगे, यानी 5 इंच का बेल्ट हमें सलवार में भी चाहिए। ये जो 5 इंच का बेल्ट है, यहाँ पर जो चूड़ीदार का वीडियो बनाया उसमें ही समझाया था, चूड़ीदार और सलवार दोनों का बेल्ट एक ही जैसा रहेगा। तो 5 इंच का बेल्ट चाहिए हमें, और यहीं से हम यहाँ का लंबाई और जो मोरी रहेगी जो सलवार का बॉटम बोलते हैं, वो हमें 2 इंच का हमें मार्जिन रखना होता है, क्योंकि हमें उसमें 1 इंच का कैनवास पट्टी लगता है और उसमें सिलाइयाँ लगती है, उसमें डिजाइन भी बनता है और सीधी सिलाई भी लगती है। तो मेन लंबाई यहीं से होगा, यहाँ 4.5 इंच से यहाँ पर ये जो मोरी का ड्रॉ है वहीं पे मेन लंबाई होगा, और 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा। और आगे हम बढ़ते हैं तो सलवार का क्रोच, मेन बात है पेंट प्लाजो सलवार चूड़ीदार सब में एक ही बात का प्रॉब्लम होता है, या धोती हो सब में क्रोच का मेजर ही हमें अच्छे तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सलवार का क्रोच है उसकी फॉर्मूला यहाँ पर मैंने समझाया है। तो हिप का जो नाप है, बॉडी नाप है हिप राउंड जैसे 41.5 है, हिप का नाप है उसका 3 डिवाइड करना है और उसमें प्लस 2 इंच करना है, और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है और यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, हिप का नाप है 41.5, उसका 3 भाग किया तो उसका नाप आया है 13.83 यानी 13.83, उसमें 2 इंच प्लस किया है तो नाप आया है 15.83 यानी 16 इंच हमें क्रोच का नाप चाहिए, वहीं से कटिंग करना है। और ये जो 16 इंच ये क्रोच है वो बेल्ट के संग में रहेगा, 5 इंच का जो बेल्ट है उसके साथ में ही आएगा, क्योंकि अगर कपड़ा कम है तो अगर हमें 7 इंच का बेल्ट बनाना है तो भी 7 के संग में ही 16 चाहिए, या फिर 4 इंच का बेल्ट आप बना रहे हैं तो 4 इंच के संग में ही 16 चाहिए, यानी जो भी नाप चाहिए हमें बेल्ट के संग में ही चाहिए। तो ये होगी क्रोच का फॉर्मूला सलवार के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बेल्ट का बात करते हैं। तो इसमें जो बेल्ट है सलवार के लिए बेल्ट वही होगा जो टोटल 7.5 इंच हमें कटिंग करना है, और 5 इंच हमें रेडी चाहिए। यहाँ पर लिखा है 1/2 इंच का दबाव, और यहाँ पर सिलाई में लिखा है 1 इंच का मार्जिन, और सलवार में नाड़ा लगेगा इसलिए यहाँ पर हमें 1 इंच का गैप चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 इंच का गैप। और जो बेल्ट की फॉर्मूला है सलवार के लिए, तो बेल्ट की फॉर्मूला हिप राउंड है, उसमें हमें 6 इंच लगाना है लूजिंग, तो जो नाप आएगा वो रेडी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि 41.5 हिप राउंड का नाप है, यहाँ पर 41.5 हिप राउंड का नाप है, प्लस 6 इंच लूजिंग लगाया तो 47.5 हुआ, वो हमें रेडी चाहिए। तो यहाँ पर 2 हिस्सा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर फोल्ड पार्ट किया है, क्योंकि हम बेल्ट फोल्ड पार्ट में कटिंग करेंगे, इसलिए 24.25 रेडी चाहिए, और दबाव का 1 इंच का जो मार्जिन है वो सब अलग से। ये सब चीज़ें हम जो सलवार का कटिंग आएगा उसमें हम समझेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सलवार का कटिंग कैसे करना है। तो तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। अगर आपको और भी अच्छा लगा, अगर कोई क्वेश्चन मार्क है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।